नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजार की चाल में। मैं आपके साथ अखिलेश शेट्टी और बाजार की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का बाजार कैसा कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, कि एक्सपर्ट्स क्या बता रहे हैं आगे जाके कि किस कृषि फसल के अंदर क्या फंडामेंटल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, किस कृषि फसल के अंदर आगे जाके कितनी मंदी तेजी देखने को मिल सकती है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पे कृषि फसलों की कम्युनिटी में सबसे पहले बात करेंगे कैसा सीड से। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसा सीड का अक्टूबर वायदा 6266 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 6310 का हाई लगा चुका है। लगभग आधे फीसदी की तेजी बनती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि आज शाम के कारोबारी सत्र में कैसा सीड का वायदा बाजार आज भी 6200 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है और 6310 का हाई लगा चुका है, अभी भी हरे निशान पर है। आपको बता दें कि कैसा सीड की कीमतों में तेजी का ही रुझान बता रहे हैं एक्सपर्ट्स अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि बुवाई पिछले साल के कम है। अगर बुवाई कम है तो यानी कि प्रोडक्शन भी कम होगा और जो निर्यात मांग है यानी कि जो एक्सपोर्ट डिमांड है कैसे सीड की, वो भी अच्छी खासी ही देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कैसे सीड की कीमतों में आने वाले दिनों में एक्सपर्ट्स तेजी का रुझान ही बता रहे हैं। हालाँकि जब से मौसम की गतिविधियाँ अच्छी हुई हैं, बारिश देखने को मिली है, तब से हमने देखा है कि कैसे की जो कीमतें हैं उनके अंदर एक हल्की सी नरमी का हल्की नरमी भी आती हुई नज़र आई है, लेकिन नरमी इतनी नहीं आई है। ओवरऑल जो रुझान है, ओवरऑल जो आउटलुक रहेगा कैसर में तेजी का ही रहेगा। जानकारों के अनुसार कैसर में आने वाले दिनों में अभी हाल फिलहाल में 6500 से लेकर 6700 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से कैसर सीड के बाद बात करें अगर चने की, तो चने का सेप्टेम्बर वायदा देखने की 5275 पर है और 5300 का ही लगा चुका है, 2% की तेजी है। और चने का अक्टूबर वायदा देखने की 5200 पर कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। चने की कीमतों में हमने कल के कारोबारी सत्र में देखा था कि चना 5000 के दायरे में कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन फिर वहां से शाम होते होते मार्केट क्लोज होते होते चने की कीमतों में 5200 के लेवल्स देखने को मिले, जो कि आज भी देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि चने की जो डिमांड है ठीक ठाक ही है, लेकिन जब त्यौहार पास में आता है तब चने की जो कीमतें हैं वो ज़्यादा देखने को मिलती है। अदरवाइज चने की जो कीमतें हैं वो 5000 के दायरे में ही कारोबार करती हुई नज़र आती हैं वायदा बाज़ारों के अंदर। बात करें अगर हाजिर बाज़ारों की, तो हाजिर बाज़ारों में चने की कीमतें 5400-5500-5600 इसी दायरे में ही देखने को मिल रही हैं। और वायदा बाज़ारों में अभी जो बहुत सारे व्यापारियों का ये भी कहना है, जो हाजिर व्यापारी हैं, कि सट्टेबाजी की वजह से चने की कीमतों में एकदम से इतना उछाल देखने को मिला है, क्योंकि सेबी ने चने की कॉन्ट्रैक्ट्स पर काफ़ी प्रतिबंध लगा दिए थे अभी बीच में, और ये भी बोला था कि जब तक सेबी का कोई नया बयान निकल के सामने नहीं आ जाता है तब तक चने का नया वादा लॉन्च नहीं किया जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही चल रहे हैं उसमें ही अपनी पोजिशनें स्क्वायर ऑफ करके या फिर सेल करके निकाला जा सकता है, यानी कि एग्जिट करी जा सकती है, नई सौदा नहीं किया जा सकता। और अब ये सेबी पे डिपेंड करता है कि सेबी अब कब चने की कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से ट्रेडिंग, चने में दोबारा से ट्रेडिंग कब से अनुमति देगा। और उसके बाद से हमने देखा था कि चने की कीमतें घटने की बजाय बल्कि बढ़ती हुई नज़र आई थी, और वही हाल हम अभी भी देख रहे हैं। हाजिर कारोबारियों का कहना है कि चने के अंदर अभी थोड़ी सट्टेबाजी भी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से वायदा में कीमतों में एकदम से उछाल देखने को मिला है। और कुछ व्यापारियों का कहना है कि जब से सरकार ने दालों के आयात को लेकर फैसला लिया है कि दालों का आयात किया जाएगा और जो आयात की अवधि है उसको भी अब 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है, तो उसका भी इम्पैक्ट कुछ ना कुछ प्राइसेस पर पड़ता हुआ नज़र आया है। तो अभी चने की कीमतों में कुछ कारोबारियों को कन्फ्यूजन भी हो रहा है कि चने की कीमतें एकदम से क्यों बढ़ रही है। हालांकि जैसे जैसे फेस्टिवल डिमांड निकल के सामने आएगी चने की कीमतों में अपने आप ही तेजी बनती हुई नज़र आ जाएगी, क्योंकि अभी नवरात्रे आएंगे, फिर दिवाली है, तो फिर शादी ब्याह का माहौल भी आएगा, देव उठान होएगा जब, तो चने की जो डिमांड है खपत है वो भी बढ़ती हुई नज़र आएगी। आपको बता दें कि इस साल चने का रिकॉर्ड उत्पादन देखने को मिला है, 119.9 लाख टन के आसपास आंकड़े अभी चने के उत्पादन के बताए जा रहे हैं। यहीं से चने के बाद बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का सितंबर वायदा देख रहे हैं 2401 पर कारोबार कर रहा है और दिसंबर वायदा 2455 पर कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। हमने बिनौला खल की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आती हुई देखी है, 3200 से लेकर सीधे 2400 पर बिनौला खल आके टिका है, 2300 पर भी जाते हुए देखा था, लेकिन फिर 2300 से ऊपर निकल गया।
अभी जानकारों के अनुसार बिनौला की कीमतों में कॉटन की वजह से गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है पिछले साल के मुकाबले, जिसकी वजह से कॉटन की कीमतों में नरमी देखने को मिली है। और दूसरा, कॉटन की कीमतों में नरमी की वजह से भी बिनौला खल की कीमतों पर एक प्रभाव पड़ता हुआ नज़र आया है। तो जानकारों के अनुसार बिनौला खल की कीमतों में जो गिरावट है अभी ये कुछ समय तक अभी और जारी रह सकती है। इसी के साथ बात करें यहाँ से अगर मसाला पैक की, तो मसाला पैक में देख रहे हैं कि धनिया का अक्टूबर वायदा 7980 पर कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। आज 2.25% की तेज़ी धनिया के अंदर बनती हुई नज़र आई है। बीते कारोबारी सत्र में हमने देखा था कि धनिया की जो कीमतें हैं उनके अंदर एक गिरावट बनती हुई नज़र आई थी, निचले सर्किट लगता हुआ नज़र आया था, लेकिन अब देख रहे हैं कि एक तेज़ी बनती हुई नज़र आई है, निचले स्तर से एक बार फिर से खरीदारी लौटती हुई नज़र आई है। कल के कारोबारी सत्र में हमने धनिया की कीमतों में एक प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई देखी थी। दरअसल अब धनिया के निर्यात में खल की गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि धनिया की कीमतें घरेलू स्तर पर ही इतनी ज़्यादा हो गई थी कि जो निर्यात मांग है वो थोड़ी कम हो गई, और जो सप्लाई हो रही थी धनिया की बाज़ारों के अंदर वो अच्छी क्वालिटी की देखने को नहीं मिली थी, और प्राइसेस भी ज़्यादा थी, कीमतें भी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से ऊपरी स्तरों पर लेवाली से कारोबारियों ने परहेज़ किया था, जिसकी वजह से कल के कारोबारी सत्र में हमने धनिया की कीमतों में एक नरमी आते हुए देखी थी, निचले सर्किट लगते हुए देखे थे। लेकिन आज देख रहे हैं कि कुछ निचले स्तर से खरीदारी एक बार फिर से लौटी है। ओवरऑल रुझान मसालों में अभी तेज़ी का ही है, अभी मसालों को त्योहारी मांग का भी सपोर्ट है, खाड़ी देशों में भी निर्यात मांग ठीक ठाक ही है। अगर ज़्यादा लेवल्स नहीं बढ़ते हैं तो निर्यात मांग भी बढ़ती ही रहेगी, और ओवरऑल रुझान धनिया में अभी तेज़ी का ही है। धनिया के बाद बात करें यहाँ से अगर जीरे की, तो जीरे का अक्टूबर वायदा देख रहे हैं 14,880 पर कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है, और 14,945 का हाई लगा चुका है, 1% की तेज़ी है। हम देख रहे हैं कि जीरे की कीमतों में भी आज एक अच्छी तेज़ी बनती हुई नज़र आ रही है, 14,945 का हाई लगा चुका है, 15,000 के लेवल के करीब है। जैसे ही लेवल हमने पहले देखे थे, अब हो सकता है कि 15,000 का लेवल जीरे एक बार फिर से छू ले। हालाँकि जीरे की जो सप्लाई है मार्केट्स के अंदर, हाजिर के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, ठीक ठाक है, पर्याप्त स्टॉक देखने को मिल रहा है, और सप्लाई भी अच्छी खासी है। तो जीरे की जो कीमतें हैं, जानकार अभी हाल फिलहाल में बता रहे हैं कि ज़्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है, लेकिन आज वायदा बाजार में देख रहे हैं कि निचले स्तर से कल के निचले सर्किट लगने के बाद एक निचले स्तर पर खरीदारी निकल के सामने आई है। बात करें अगर हल्दी की, तो हल्दी का अक्टूबर वायदा देख रहे हैं 7,490 पर कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है, 0.5% की गिरावट है। आपको बता दें कि हल्दी की कीमतों में 7,600 का एक अहम सपोर्ट था, जो कि अब टूटता हुआ नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं, और कल को हमने हल्दी में एक गिरावट भी आते हुए देखी थी। लेकिन अब हल्दी की कीमतों में देख रहे हैं कि थोड़ी और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। उसका एक कारण है कि अब जब से बारिश ने ज़ोर पकड़ा है, एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलता हुआ नज़र आया है, और जो हल्दी उत्पादक राज्य है वहाँ पर बारिश अच्छी होती हुई नज़र आई है। तो इससे अब जो कारोबारी हैं और जो विशेषज्ञ हैं, उनको उम्मीद है कि हल्दी के आने वाले सीज़न में, यानी कि हल्दी का जो अगला सीज़न होगा, उसमें अच्छी बुआई के आंकड़े निकल के सामने आ सकते हैं, अच्छे उत्पादन के आंकड़े निकल के सामने आ सकते हैं, जिसकी वजह से हल्दी की कीमतों में एक नरमी देखने को मिल सकती है। और इन्हीं सेंटीमेंट्स की वजह से हल्दी की कीमतों में अभी एक हम देख रहे हैं कि एक नरमी वाला रुझान देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं हल्दी के बाद अब यहाँ से ग्वार कॉम्प्लेक्स की। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्वार गम का अक्टूबर वायदा इस वक्त 10,302 पर कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है, 10,486 का हाई लगा चुका है, 0.25% की तेज़ी है। हम देख रहे हैं कि ग्वार आज लगातार तीसरे दिन 10,000 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है, जो कि ग्वार कारोबारियों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, राहत की खबर है, क्योंकि ग्वार की कीमतों में हमने 11,600 का हाई लगने के बाद अभी अगस्त वायदा में हमने देखा था कि 11,600 का हाई लगता हुआ नज़र आया था, फिर उसके बाद से कीमतें लगातार गिरती हुई नज़र आई थी और 8,000 तक भी नीचे जाती हुई नज़र आई थी। लेकिन ग्वार के जो फंडामेंटल्स हैं इतने भी कमज़ोर नहीं है, मजबूत ही हैं, क्योंकि ग्वार की बुआई इस साल बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि बारिश नहीं हुई थी ग्वार की बुआई के समय, और जो पिछला स्टॉक है अभी
कारोबारी और किसान उसको निकालने में लगे हुए हैं, दूसरा डिमांड भी थोड़ी निकल के सामने आई है, जिसकी वजह से ग्वार गम की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। आपको बता दें कि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ग्वार में एक बार फिर से अभी तेजी निकल के सामने आ सकती है। एक बार फिर से ग्वार 11,600 का हाई लगाने के बाद अब ग्वार की कीमतों में 12,100-12,200 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ग्वार की कीमतों में अभी एक्सपर्ट्स तेजी ही बता रहे हैं, लेकिन इसी बीच ग्वार की कीमतों में निचले सर्किट भी वायदा बाजार के अंदर देखने को मिलते रहेंगे। एक्सपर्ट्स ने इस बात से भी इनकार नहीं किया है, अगर ग्वार की कीमतों में 4-4, 5-5, 6-6% के ऊपरी सर्किट भी लगते हुए नजर आते हैं वायदा में, तो उसी अनुपात में उसी रेशियो में निचले सर्किट भी जरूर लगते हुए नजर आएंगे, ये भी एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है। तो ग्वार में जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं थोड़ा संभल के करें। बात करें अगर ग्वार सीड की, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्वार सीड का सितंबर अक्टूबर वायदा इस समय 6296 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 6369 का हाई लगा चुका है। 0.25% की तेजी ग्वार सीड के अक्टूबर वायदा में बनती हुई नजर आ रही है। ग्वार गम की तरह ग्वार सीड का अक्टूबर वायदा भी तेजी की ही हो रहा है। ग्वार सीड की कीमतों में भी एक्सपर्ट्स जो एनालिस्ट्स हैं वो तेजी ही बता रहे हैं, फंडामेंटल्स ग्वार गम वाले ही हैं ग्वार सीड की कीमतों पर जो लागू होते हैं, और ग्वार सीड की कीमतें 7,000 तक का भी लेवल टच करती हुई नजर आ सकती हैं। लेकिन ये जो लेवल होगा ग्वार गम और ग्वार सीड में एकदम से देखने को नहीं मिलेगा, धीरे धीरे करके तेजी बनेगी, एकदम से एक दो दिन के अंदर उछाल नहीं बन जाएगा या एक सवा हफ्ते के अंदर, अभी इसके अंदर कुछ दिन लग सकते हैं इतनी तेजी बनने में। बात कर लेते हैं यहाँ से अब एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की। देख रहे हैं कि मस्टर्ड सीड का अक्टूबर वायदा 8,617 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 8,740 का हाई लगा चुका है। आज देख रहे हैं सरसों की अक्टूबर वायदा में 1% की गिरावट बनती हुई नजर आ रही है। दरअसल सरसों की जो फंडामेंटल, सरसों की जो आवक हो रही है मंडियों के अंदर वो कम है, और जो स्टॉक बचा है अभी आवक आने में अभी 5-6 महीने का समय है सरसों की नई आवक आने में, और तब तक उस ड्यूरेशन में उस समय में जितना स्टॉक है भी भारत के पास वो लगभग 30 लाख टन का भी जानकार बता रहे हैं। तो अब उतना स्टॉक काफ़ी है या नहीं है अब ये तो खपत पे डिपेंड करता है, क्योंकि खपत तो उतनी की उतनी ही है, खपत तो कम नहीं हुई है बल्कि ज़्यादा ही बढ़ी है कोरोना काल में, क्योंकि लोगों ने खाद्य तेलों में सरसों को ज़्यादा अपनाया है हेल्थ के तौर पर। और 8 जून 2021 को FSSAI ने सरसों के तेल में ब्लेंडिंग, अन्य तेलों की ब्लेंडिंग पर भी रोक लगा दी है, तो इसकी वजह से सरसों का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और दूसरा, सरकार ने इसके रिफाइंड बनाने पर भी जोर दिया था, हमने इसका रिफाइंड भी बनते हुए देखा, जिसकी वजह से सरसों में सरसों को एक नया डाइवर्जन भी मिलता हुआ नज़र आया, एक दूसरा रास्ता भी मिलता हुआ नज़र आया है प्योर तेल के अलावा रिफाइंड भी का भी, तो कुछ तो रिफाइंड में यूज़ हो गया और कुछ जो प्योर सरसों तेल है उसमें यूज़ हो गया, और आवकें कम है, स्टॉक भी कम है, जिसकी वजह से सरसों में जो सरसों दाने की जो कीमतें हैं अभी तेजी की ओर रह सकती हैं। वायदा में हमने 8,700, 8,800, 8,900 तक भी लेवल्स जाते हुए देखे हैं। अब जानकार यहां से बता रहे हैं कि सरसों में अगर ऐसे ही तेजी चलती रही तो बहुत ही जल्द 9,000 तक भी सरसों की कीमतें वायदा के अंदर वायदा बाजार में देखने को मिल सकते हैं, और हाजिर में हमने ऑलरेडी सरसों की कीमतें 10,000 तक जाती हुई देख चुके हैं। हो सकता है कि अगर खपत ज़्यादा बढ़ जाती है और स्टॉक ऐसे ही कंज्यूम होता रहता है तो सरसों की कीमतें और भी ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। और आपको बता दें कि सरकार के पास भी सरसों का स्टॉक नहीं है, और जो कारोबारी हैं और जो सरसों से जुड़े बड़े विशेषज्ञ हैं उनका सरकार से ये कहना है, ये आग्रह है कि सरकार को अभी पहले से ही सरसों बीज का इंतज़ाम कर लेना चाहिए, जिससे कि आगामी बुआई में सरसों की बुआई में बिजाई में कमी ना हो बीजों की, क्योंकि इस साल हमने सोयाबीन के दाने की काफ़ी ज़्यादा किल्लत देखी थी, जिसकी वजह से हमने बुआई के आंकड़े थोड़े कम, बुआई में किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और जो बीज थे ब्लैक में बिक रहे थे उनकी जो दाम थे वो भी 2-3 गुना होते हुए नजर आए थे। इसलिए सरकार से अभी जो विशेषज्ञों किसान हैं सरसों के वो यही आग्रह कर रहे हैं कि सरसों की बिजाई के लिए पहले से ही बीजों का इंतज़ाम सरकार को अभी से ही कर लेना चाहिए। बात करें यहाँ से अगर सोयाबीन की, तो देख रहे हैं कि सोयाबीन का अक्टूबर वायदा 6285 पर कारोबार कर रहा है, 6340 का ही लगा चुका है, हल्की सी करेक्शन है। आपको बता दें सोयाबीन की बुआई के आंकड़े पिछले साल के लगभग बराबर ही है,
और ये भी कह सकते हैं कि थोड़े से अब ज़्यादा ही देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से सोयाबीन की कीमतों पर एक दबाव बनता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि ब्राज़ील में भी ये खबर निकल के सामने आ रही है कि वो पहले के मुकाबले अब सोयाबीन की जो सोइंग है ज़्यादा करेगा, जिसकी वजह से सोयाबीन की कीमतों पर एक दबाव बनता हुआ नज़र आ रहा है और वैसा हम देख भी रहे हैं। और सोयाबीन की जो कीमतें हैं अक्टूबर वायदा में वो एक सीमित दायरे में कारोबार करती हुई नज़र आ सकती हैं। 6200-6300 का सपोर्ट रहेगा और ऊपर में 6500-6600 यही लेवल्स अभी सोयाबीन के अंदर हाल फिलहाल में देखने को मिलते रहेंगे। तो ये तो एक छोटा सा कृषि फसल बाजार का अपडेट कि शाम के कार्रवाई सत्र में कौन सी कृषि फसल किस भाव पर कारोबार करती हुई नज़र आ रही है और एक्सपर्ट्स की क्या राय है कि एक्सपर्ट्स क्या बता रहे हैं आगे जाके किस कृषि फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी बनती हुई नज़र आ सकती है और किस कृषि फसल के अंदर मुनाफा कमा के चला जा सकता है। तो फिलहाल बाजार की चाल में बस इतना ही। नमस्कार।